नतीजों पर फोकस, इसमें बात करेंगे बाजार के दो सबसे बड़े दिग्गज से। पहले शुरुआत करेंगे सबसे बड़े दिग्गज से, रिलायंस। इसके नतीजे आए वीकेंड्स में, और अगर हम देखें तो रेवेन्यूज में करीब 12% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन प्रॉफिट में 4.5% की डीग्रोथ देखने के लिए मिली। काउंटर पिटा भी है आज थोड़ा सा। सर, कैसे करना चाहिए अब इसको ट्रेड? विवेक, ये जो रिलायंस का जो रेंज था ना, ये जो मैं देख रहा हूँ 2850 से 2900, ये रेंज है चार से, उसमें काफी साइडवेज कंसोलिडेशन था और ब्रेकआउट आया है। तो अभी हमें ये वॉच करना पड़ेगा कि ये जो लेवल है 2900 का जो लेवल को किस तरह से वो रेस्पेक्ट करता है। और अगर आप 50 दिन का जो मूविंग एवरेज आप देखोगे, 2980 का जो लेवल है वो, उसमें 50 दिन का मूविंग एवरेज है। दो दिन के करेक्शन के बाद रिलायंस सपोर्ट पे आया है। ट्रेडिंग बेट के नजरिए से देखेंगे, मैं पोजिशनल बेट नहीं लेना चाहूंगा इसमें अभी। अगर किसी को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो 2980 पे एक बार लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2900। ये एक 80 पॉइंट का रिस्क लेके तेजी कर सकते हैं, बट उतना श्योर नहीं हूँ कि यहाँ से फिर अगर हम तेजी करते भी है तो वापस ये 3000-3200 इमीडिएटली जाएगा कि नहीं जाएगा। सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है कि एक 80 रुपए का रिस्क लेके अगर किसी को लॉन्ग करना है तो फिर 2980 के आसपास हम रिलायंस को लॉन्ग कर सकते हैं। 2980 के आसपास अगर ये काउंटर मिलता है तो आप लॉन्ग करें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा हो सकता है कि वेट कराए। नेक्स्ट काउंटर सर, एचडीएफसी बैंक का। यहाँ पर नतीजे आए कंपनी के, और अगर हम देखें तो एनआईआई में करीब 2.5% का जंप, वहीं प्रॉफिट में 2% की गिरावट, लेकिन दो डेटा और इम्पॉर्टेंट थे। उसमें था कि अदर इनकम, जहाँ पर कि अदर इनकम 41% गिरी, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी गिरी, लेकिन प्रोविजनिंग ने संभाल लिया। प्रोविजनिंग जो पिछले क्वार्टर में 13,512 करोड़ थी, वहाँ से घटकर 2600 करोड़ आ गई। प्रोविजनिंग घटी है और अदर इनकम भी घटी है। अदर इनकम का घटना पॉजिटिव, प्रोविजनिंग का घटना पॉजिटिव, लेकिन बात यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आया। एनपीएस भी थोड़े से बढ़े हैं सर। एचडीएफसी बैंक का काउंटर आज लेकिन 2% तेज हो गया है, कैसे आप ट्रेड करें इस काउंटर को? मेरा ये मानना है कि एचडीएफसी का जो रिजल्ट है ना, जो इन्वेस्टर्स ने इसको मान लिया है कि वो जो प्रोविजंस जो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो उनके डिपॉजिट्स के बढ़ाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये जो 1600 का जो लेवल है वो बेस एक बार के लिए तो बन चुका है। जब हमारा हमें ये एजेंसी बैंक में देखा था कि जुलाई में स्टार्टिंग में गैप डाउन हुआ था, जो हुआ था 1730 के लेवल से गैप डाउन हुआ था, और अभी जो हालांकि जो लास्ट 3-4 दिन से रिजल्ट आने के पहले जो उसका जो लेवल बना था 1630-1600, ये लेवल पे काफी सारा अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है और आज का जो कैंडल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। टेम्पररी एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि अभी जो आने वाला जो सीरीज है उसमें मुझे लगता है 1600 का जो लेवल है वो फिलहाल प्रोटेक्टेड है। 1730 का गैप है जहां से वो गैप डाउन हुआ था, तो नॉर्मली टेक्निकल्स में क्या होता है कि जब भी कोई गैप वगैरह होता है जो अनफिल्ड होता है वो नॉर्मली फिल करने की ज्यादा उसमें नॉर्मली स्टॉक वो फील खरीद लेता है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से 1600 का जो बेस है ये पकड़ के 1730 तक का एक उछाल हमें स्लो एंड स्टडी एचडीएफसी बैंक में मिलना चाहिए। मेरा व्यू गलत होगा, जब भी 1600 का लेवल ब्रेक करके वीकली में जब क्लोज आएगा 1600 के नीचे तो ये व्यू नेगेट हो जाएगा। फिलहाल मुझे तो बाउंस बैक का व्यू मुझे एचडीएफसी बैंक में लग रहा है। बिल्कुल, तो बाउंस बैक का व्यू लग रहा है सर को, और 1600 के नीचे ही व्यू खराब होगा। एक हमारे दर्शक है, काफ़ी परेशान है सर, फिजिक्स थिंग्स के नाम से उन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन बोल रहे हैं कि 5-6 सेशन से लगातार सवाल पूछ रहा हूँ सर। IDFC फर्स्ट बैंक 81 रुपये का लिया हुआ है, होल्ड करूँ और सेल करूँ या एवरेज करूँ? ये डिपेंड करता है कि उनका टाइम फ्रेम क्या है जी। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप होल्ड करिए, IDFC फर्स्ट में आपको रिटर्न्स डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और ये अभी जो एक लेवल है 70 का जो लेवल है 70-75 का, वो उसका नीचे का बेस फॉर्मेशन का लेवल है। मैं टाइम फ्रेम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इन्वेस्टेड रह सकते हो तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रह जाइए। 80 का एक लेवल है जहां पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, जब भी आप फिर निश्चित हो जाइए, जब ये 85 का लेवल है, 85 का लेवल जब भी आपको क्लोजिंग बेसिस पर मिलेगा फिर आप एक कंफर्मेशन भी मान के चल सकते हैं कि नीचे का जो बेस है वो बेस बन चुका है, और 85 के बाद फिर इसमें आपको एक इमीडिएट एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। वो टाइम फ्रेम आपको निकालना है, जब तक वो 85 के ऊपर नहीं जाता इन्वेस्टेड रह जाइए।
अगर आप तो अभी भी अगर आपको इसमें एवरेज करना है या जी पोजीशन बनाना तो आप प्लीज बना सकते हो। मुझे लगता है कि आप आसानी से आपका पोजीशन आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। बिल्कुल। तो सर आप पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं, जैसे जैसे थोड़ा बहुत नीचे आता है 70 से 75 की रेंज में, 85 पर आप थोड़ा सा चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें, और नहीं तो 85 के ऊपर जो आप एवरेजिंग का वाला करते हैं, और उसके बाद अगर ये निकलता है तो ये और अच्छी एक लेवल आपको दे देगा। सर नेक्स्ट बैंक जहाँ पर कि नतीजे आते हुए दिखाई दिए, येस बैंक। इसके नतीजे तो अच्छे थे, काउंटर पर रिएक्शन भी पॉजिटिव आया, काफ़ी समय बाद येस बैंक पर इस तरह की पॉजिटिव खबरें आईं। NII करीब 12% बढ़ा, मुनाफा करीब 49% बढ़ा है, 516 करोड़ का प्रॉफिट आया, काउंटर 4% ऊपर भी था। अब क्या करें सर? इसमें भी व्यू काफी लंबा है विवेक। इसमें अगर आप 3-4 साल की नजरिए से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप करिए। काफी टाइम लगेगा। जिस हिसाब से बाकी गवर्नमेंट ने ये बैंक को बचाने के लिए जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, मुझे नहीं लगता कि इसमें वो फॉल वापस आपको देखने को मिलता है। काफी अच्छा प्राइस है, 25 रुपए में जो मिल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा करेक्शन नहीं आएंगे। ट्रेड ना करें आप इसमें, पोजिशनल बेट लेके और हैवी पोजिशंस भी ना बनाएं। जिनका जैसा रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से पोजिशन बनाएं, लेकिन आप 3-4 साल के नजरिए से अगर आप ले सकते हैं तो मुझे लगता है आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं। बिल्कुल। तो यस बैंक में पोजीशन बना सकते हैं, बट विज़न आपको 3 से 4 साल रखना पड़ेगा। JSW एनर्जी सर, इसके नतीजे आए, रेवेन्यूज 2% डाउन थे लेकिन मुनाफा 84% बढ़ा। कारण है कि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, पावर की डिमांड काफ़ी तेज़ हो गई और कंपनीज़ के मुनाफे भी अच्छे आ गए। तो ये पावर सेक्टर में एक पहला रिजल्ट जो दिग्गज कंपनी की तरफ से आया, उसका एक इम्पैक्ट काउंटर पर आज ज़्यादा तो नहीं दिखा, लेकिन पहले से ये काउंटर चला हुआ है सर। तो JSW एनर्जी में अभी चले हुए काउंटर को किस तरह से देखें सर? थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है शायद वापस 650 तक का और 1-50 पॉइंट का करेक्शन इसमें और देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के नजरिए से ही मैं बोल रहा हूँ। ये इसका जो कंफर्ट जोन है, जब भी ये 600 का लेवल ब्रेक करता है, 600 या 550, ये एक लेवल है जब भी यहाँ पे मिलता है, मुझे लगता है अगर कोई पोजिशन बनाए और उसमें प्रॉफिट बुकिंग है तो कर ले। ये नीचे एक बार हो सकते हैं मार्केट जब भी एक बार करेक्शन होगा तो ये काउंटर फिर से आपको 600 के नीचे मिलने की ज्यादा उम्मीद है। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग करके जब भी एक अपॉर्चुनिटी होगा 600 के नीचे आप री एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल। विप्रो, यहाँ पर हमने देखा कि नतीजे तो अच्छे आए थे, लेकिन कंपनी के आउटलुक मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिया। काउंटर जब ADR थे, ADR खुले फ्राइडे को US में, तो 11% टूटा, आज भी 8.5% टूटा हुआ है। आज पूरे IT इंडेक्स को नेगेटिव लाने में इसका पूरा कंट्रीब्यूशन है, 8.5% टूटा हुआ है। रेवेन्यूज़ में 1% की गिरावट, प्रॉफिट्स में करीब जंप देखने के लिए मिला 6% ऑन ए Q-on-Q बेसिस। हाइलाइट्स में अगर देखें तो नतीजे तो उम्मीद के मुताबिक थे, एबिट मार्जिन भी बढ़े, मार्जिन्स भी बढ़े, एबिट भी बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद आउटलुक का इम्पैक्ट। सर कैसे ट्रेड करें आप विप्रो को? विप्रो में नेगेटिव बायस मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। ये FNO का स्टॉक है और अभी एक्सपायरी ड्यू है, तो जितने भी लोगों के पोजीशंस थे मुझे नहीं लगता वो पोजीशंस रोल ओवर करेंगे। पॉजिटिव रोल ओवर तो नहीं होगा डेफिनेटली। तो आज का लो शायद हो सकता है कि आज का लो फिर से आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों में। नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो 480 से 460 का बैंड है। ये लेवल है जहाँ पे हम उसको वॉच करेंगे। लेना है नहीं लेना है हम फिगर आउट करते हैं। बट देन मुझे लगता है कि अगर कोई भी है जिनका पोजीशंस लॉन्ग में अगर फंसे तो थोड़ा भी इसमें बाउंस मिलता है, 530 के आसपास बाउंस मिलता है। एक पोजीशन काटे उसके बाद नीचे जब भी नीचे मुझे लगता है थोड़ा टाइम जो भी एक नेक्स्ट सीरीज का जो पोजिशन है उतने स्ट्रॉन्ग रोल ओवर नहीं दिख रहे। अभी तो रोल ओवर का पोजिशन बताना काफी मुश्किल है। बट देन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ब्रेकडाउन आया वो एक बार 480 से 460 के नीचे आएगा तो आप पोजीशंस एग्जिट करें। जब ये सपोर्ट्स पे आएंगे हम रिव्यू करते हैं उस टाइम पे। जी नेक्स्ट काउंटर सर BPCL, यहाँ पर नतीजे तो वीक आए थे लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी वीक रिजल्ट की ही थी, जिसके बाद आज काउंटर पर रिएक्शन कुछ अलग है। अगर आप प्रॉफिट की फिगर देख लें तो शायद डर लग जाएगा कि 73% प्रॉफिट डाउन आया, रेवेन्यूज भी फ्लैट थे नेगेटिव साइड पर, लेकिन काउंटर 3% से ज़्यादा ऊपर है सर। कैसे ट्रेड देखना चाहिए अब इस काउंटर को? लेकिन ये बलिया 3% जो फ्राइडे को जो करेक्शंस हुए थे उसी को आज इसने रिकवर किया है। इसका नीचे का बेस है 290 का बेस है और ऊपर में 330 का रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक नहीं होता तो मुझे लगता है इसमें कोई भी व्यू बांधना मुश्किल है।
290 और 330 ये रेंज है। तो अगर पोजीशंस, अगर कोई ट्रेडिंग वगैरह पोजीशंस कर रहे हैं तो 330 में प्रॉफिट बांधे और नीचे 290 पे आता तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। काफी छोटा छोटा स्टॉप लॉस होगा, 5-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये ट्रेड हम ले सकते हैं। डायरेक्शनल व्यू फिलहाल नहीं है उसमें। बिल्कुल, तो डायरेक्शनल व्यू नहीं है सर। लास्ट काउंटर जो कि नतीजों पर था वो है JSW स्टील, जहां पर कि नतीजे तो खराब देखने के लिए मिले। रेवेन्यूज़ तो ठीक थे, 2% का जंप, लेकिन प्रॉफिट 64% गिरा। हालांकि एक्सपेक्टेशन भी इसी तरह की थी कि मुनाफा गिरेगा, लेकिन इतना गिरेगा ये शायद उम्मीद नहीं थी स्ट्रीट को। ये ज़्यादा ही गिर गया, 20 से 30% की रेंज में स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन काउंटर गिरा और संभल गया, अब हरे निशान में आ गया। आज एक अच्छी खबर भी जुड़ी है सर मेटल काउंटर्स के साथ कि चीन ने अपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट किया है 10 बेसिस पॉइंट का ही सही, लेकिन ये कहीं ना कहीं और भी अभी मेजर्स माने जा रहे कि चीन देगा अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। मेटल काउंटर्स के लिए पॉजिटिव है या इसको इस तरह से देखें कि सर रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, तो काउंटर पे कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अब? विवेक, मुझे लगता है कि नेगेटिव रिजल्ट पे जो करेक्शन आया ना, एक अपॉर्चुनिटी है JSW स्टील में। ओवरऑल ओके सेक्टर्स पे हमारा मानना है कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है मेटल्स में। मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, वेदांता, इस पर सभी पे, इवन कुछ हद तक JSW स्टील पर, ऐसे सेक्टर हमारा पॉजिटिव व्यू है मेटल्स के ऊपर। और अब जो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो करेक्शंस पे, मुझे लगता है इसमें हम बाइंग डेफिनेटली मेटल्स में देख सकते हैं। लेवल्स के हिसाब से एक बार बात करते थे, JSW ने 912 का जो लेवल है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, तो फिलहाल वो 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 840 है, तो नॉर्मली क्या होता है कि 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक किया तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करता है। ये नॉर्मल टेक्निकल होता है। तो मेरा मानना है कि आप 50% पोजिशन तो आप बांध ही लीजिए, अभी आप ले ही लीजिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, आपको लगता है कि यहाँ पे बेस बन रहा है तो और पोजीशंस ऐड करें, नहीं तो थोड़ा करेक्शंस का वेट करें। व्यू पॉजिटिव है, मुझे लगता है ये वापस ये जो 950 960 का जो रिसेंटली जो टॉप था वो वापस क्लियर कर जाएगा एक काउंटर। FNO में थोड़ा रिस्की हो सकता है, कैश में डेफिनेटली पोजिशन बनाना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर मेटल पर भी सर पॉजिटिव है और JSW पर तो अच्छा पॉजिटिव है। सर ने बता दिया कि बाय ऑन डिक्लाइंस करना है। तो ये कुछ नतीजों पर हमने चर्चा की, जहाँ पर कि फोकस करने की कोशिश की कि अब इन पर स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। तो नतीजों पर फोकस पर तो इतना ही।